हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, हम RFT के बारे में पढ़ रहे हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट। उसमें जो पहला टेस्ट था हमारा वो यूरिया था, जो सेकंड टेस्ट है उसका यूरिक एसिड टेस्ट है। इस स्लाइड में हम इसके बारे में बताएंगे आपको कि भाई यूरिक एसिड क्या होता है, इसका मेथड क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में हम आप इसमें बात करेंगे। ये है एस्टिमेशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है वो एक तरह से प्यूरिन, जो हमारा DNA के अंदर होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और ये सर्कुलेट होता है हमारे प्लाज्मा के अंदर। और इस जो अदर रूप में होता है सोडियम यूरेट्स, और इसके अलावा एक्सक्रीट होता है किडनी में, यानी कि ये हमारे ब्लड में डिजोल्व होके जब किडनी में जाता है तो वहाँ से ये बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है। और ये न्यूक्लिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, और इसके अलावा डिस्ट्रक्शन होता है टिश्यू सेल्स में, और टू टाइप्स का होता है ये, प्यूरिन और पायरिमिडिन। और नीचे दिखाया है प्यूरिन लीवर में जाएगा और जेंथीन बनेगा, इसके बाद यूरिक एसिड ब्लड यूरेट्स और किडनी के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है, इसमें बताया हुआ है। हमारा ऑब्जेक्टिव है यूरिक एसिड हमारी बॉडी में कितना होता है, कम होने से क्या कंडीशन होती है, ज़्यादा कंडीशन क्या कंडीशन होती है, इसका प्रिंसिपल। और हाइपर यूरीमिया का मतलब है जब यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज हो जाता है, इसको हाइपर यूरीमिया के नाम से जाना जाता है। इसके लिए हम सीरम सैंपल लेंगे, ब्लड लेंगे, और प्लाज्मा भी ले सकते हैं जो, लेकिन हेपरिन नहीं जोड़ना चाहिए, लिपिमिक नहीं होना चाहिए सैंपल, और होगा बिलीरुबिन ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, उसको अवॉइड करते हैं हम। कोई ड्रग्स नहीं लेना है इसमें। और यूरिक एसिड लेवल जो इफ़ेक्ट होता है डाइट के द्वारा, यानी कि जो रेड मीट है वो नहीं खाना चाहिए, या न्यूक्लिक एसिड जिसमें ज़्यादा वो नहीं लेना चाहिए, वो लेंगे तो उससे इसका जो हमारा नॉर्मल वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो यूरेट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है मेल में या फीमेल में तो उससे भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो है इसमें यूरिक एसिड जो उसका रिलेशन है सेलुलर ब्रेक डाउन RNA और DNA से, अगर ज़्यादा इसमें हम यूरिक एसिड बनता है तो पेशेंट को प्रॉब्लम रहती है, और RFT में ही टेस्ट आता है, रीनल फंक्शन टेस्ट। मेथड में केमिकल मेथड है, फोस्फोटंगस्टिक एसिड मेथड, और एंजाइमेटिक में यूरिकेज मेथड, यानी कि एक केमिकल मेथड है और एक एंजाइमेटिक मेथड है। इसका जो प्रिंसिपल है वो है कि जब हम इसमें यूरिक एसिड जो है उसकी प्रेजेंस में यूरिकेज एंजाइम के साथ इसको हम कैटालाइज करते हैं तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है वहाँ पे H2O2 में, और इसके बाद 4 यहाँ पे अमाइनो फिनोसोन जो फिनोल और डेरिवेटिव भी होता है ये कन्वर्ट कर देता है क्योनिन पिगमेंट में, और उसके बाद कैलोरीमीटर में इसकी हम रीडिंग वहाँ पे देखते हैं 546 नैनोमीटर में। इसका डायग्रामेटिक जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे इसमें बताया हुआ है। ये इसका प्रोसीजर है। इसमें हम 3 टेस्ट ट्यूब लेबल करेंगे, BST, ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट, और तीनों में जो ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट में लेंगे हम 1 ml, यानी कि हमारा जो रिएजेंट है वो 1 ml रिएजेंट, और 1 ml रिएजेंट जो हमारा ब्लैंक है उसमें 20 UL लेंगे हम डिस्टिल वाटर, जो स्टैंडर्ड है उसमें स्टैंडर्ड यूरिक एसिड स्टैंडर्ड लेंगे 20 UL, और जो हमारा टेस्ट है उसमें सैंपल लेंगे, हमारा जो सीरम सैंपल है 20 UL, उसके बाद मिक्स करेंगे, उसको इंक्यूबेट करेंगे इंक्यूबेटर में 10 मिनट के लिए, उसके बाद 540 जो नैनोमीटर है वहाँ पर उसकी रीडिंग लेंगे, और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। यूरिक एसिड जो कंसंट्रेशन है इज इक्वल टू ओडी ऑफ टेस्ट डिवाइड बाई ओडी ऑफ स्टैंडर्ड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिक एसिड, जो कि 6 दिखा रखा है, 6 इसकी कंसंट्रेशन है, और मल्टीप्लाई करके हमारी रिपोर्ट यहाँ पर वो आ जाएगी। ये नॉर्मल वैल्यू है मेल में 3.427 mg%, फीमेल में 2.425 mg%, और यूरिन में 250 टू 750 mg/dL, और
जो कोसिस बढ़ जाता है इसका लेवल यूरिक एसिड का, तो कुछ रीजंस होते हैं, कुछ बीमारी होती है उनके कारण जो है यूरिक एसिड जो है हमारे ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें प्राइमरी कोसिस होता है, सेकेंडरी कोसिस होता है। प्राइमरी में इसमें लाइट नाइसिन जो हमारा सिंड्रोम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशेंसी में, सेकेंड में इंक्रीज डाइट जो उनको डाइट के कारण भी हो सकता है, और इंक्रीज सेल ब्रेकडाउन ड्यू टू ल्यूकीमिया, और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं उनके कारण भी हो सकता है। लेकिन कुछ डिजीज होती हैं जिसमें इसमें इंक्रीज और डिक्रीज लेवल हो जाता है। डिक्रीज एक्सक्रीशन, रीनल इंसफिशेंसी यानी कि रीनल जो है ख़राब है, उसमें एक प्रॉब्लम है, CRF क्रोनिक रीनल फेलियर, कोई ड्रग्स दवाई ले रहा है। हाइपर यूरेमिया जो है वो उसमें एक कंडीशन होती है जिसमें जो है इसका लेवल जो है यूरिक एसिड का बढ़ जाता है, इसको हम गाउट बोलते हैं। जो गाउट होता है क्लिनिकल सिंड्रोम होता है जो कि आर्थराइटिस और हाइपरीमिया के द्वारा वो कैरेक्टराइज होता है। एक्यूट गोट जो है वो उसमें डिपोजिशन हो जाता है सोडियम यूरेट्स क्रिस्टल के रूप में, और वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, पेन होता है जिसमें जो जहाँ पर ये डिपोजिशन हो जाता है, और जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है इसके कारण। केमिकली जो यूरिक एसिड है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, 2,6-8-ट्राई हाइड्रोक्सी प्यूरिन इसका नाम होता है। इसका प्रिंसिपल है वो नाइट्रोजन्स कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है, और स्मॉल अमाउंट में जो है ये हमारे यूरिन में जो है वो पाया मतलब आता है नॉर्मली, लेकिन इंक्रीज होने से जो है वो वहाँ पर उसको पेशेंट को डिजीज हो जाती है। ये हमारा यूरिक एसिड का जो है हाइड्रोफिलिक जो हाँ हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन C5H4N4O3 इसका फॉर्मूला है। ये बायोकेमिस्ट्री में टेस्ट आता है। ह्यूमन के अंदर यूरिक एसिड है एक मेजर प्रोडक्ट होता है जो कैटाबॉलिज्म होता है हमारा प्यूरिन का और न्यूक्लियोसाइड्स का, ग्वानिन का, इनका सबका जो मेटाबॉलिज्म होता है उससे बनता है। प्यूरिन फ्रॉम द कैटाबॉलिज्म डाइट्री न्यूक्लिक एसिड होता है और कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में, और बल्क में जो प्यूरिन एक्सक्रीट होता है यूरिक एसिड जो है हमारे यूरिन में पास हो जाता है ये, और डेली सिंथेसिस होता है यूरिक एसिड का अप्रोक्सीमेटली 400 मिलीग्राम, डाइटरी सोर्स में लेते हैं 300 मिलीग्राम, और कंज्यूमिंग करते हैं प्यूरिन फ्री डाइट जो है टोटल वो एक्सचेंजेबल होता है यूरेट सिस्टम में 1200 मिलीग्राम हो जाती है इसकी। गाउट या आर्थराइटिस में का मतलब होता है कि इसमें जो पेशेंट को आर्थराइटिस है टिश्यू में प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पर टिश्यू में डिपोजिशन हो जाता है यूरेट्स का, वो अंदर जमा हो जाता है और 18,000 to 30,000 मिलीग्राम तक ये वहाँ पर जम जाता है, और ओवर प्रोडक्शन यूरिक एसिड का अगर होता है तो उसके कारण जो है वहाँ पे प्यूरिन प्रीकर्सर रेस्पॉन्सिबल होता है, प्यूरिन से ही ये बनता है। यहाँ पर ये जो हमारा इसका कैटाबॉलिज्म के बारे में बता रखा है, यहाँ पे जो हमारा आरएनए डीएनए होता है ये लीवर में बनता है, ट्रांसपोर्ट होता है किडनी के द्वारा और ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो जाता है, और प्रोक्सीमल जो ट्यूब्यूलस में थोड़ा बहुत ये रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है 98 to 100% PCT में। एक्सक्रीशन होता है हमारी किडनी के द्वारा 70% और GIT के थ्रू 30%। डेली सिंथेसिस होता है यूरिक एसिड का 400 मिलीग्राम और डाइटरी सोल्ट हो 300 मिलीग्राम। रीनल हैंडलिंग यानी कि जो हमारा रीनल हैंडलिंग होता है वो उसके लिए जो हमारी किडनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो किडनी है रीनल, इसमें यूरिक एसिड को हमें यहाँ पे देखना है कि हमें जो हमारा फिल्ट्रेशन है वो है एब्जॉर्प्शन है एक्सक्रीशन है उन बात के ऊपर वो डिपेंड करता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो है वर्चुअली होता है यूरिक एसिड के लिए, जो कैपिलरी हमारी आती है वहाँ पे ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो जाता है, लेकिन ये PCT में ही दोबारा एब्जॉर्ब हो जाता है और सब्सिक्वेंटली सिक्रीशन जो है यूरिक एसिड का वो डिस्टल पोर्शन के द्वारा वो हो जाता है, और आगे जो रीअब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे इसका नेट यूरिनरी में 6% to 12% अमाउंट जो है वो वहाँ पे फिल्टर हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 8 to 20% जो फिल्टर हमारा यूरेट से एक्सक्रीट हो जाता है हमारा यूरिन के थ्रू, और यूरिक एसिड जो है यूरिन में एग्जिस्ट मोनो और डाई सोडियम फॉस्फेट के रूप पोटेशियम के रूप में होता है, अमोनियम और कैल्शियम यूरेट्स, इन्हीं के कारण जो है हमारा जो किडनी में पथरी बनती है जिसको रीनल कैलकुलाई बोलते हैं वो हो जाता है। एवरेज एडल्ट जो है लो प्रोटीन डाइट अगर वहाँ पे करेगा एक्सक्रीट तो 275 से 800 मिलीग्राम यूरिक एसिड 24 घंटे के पीरियड में हमारी बॉडी से बाहर वो निकल जाता है। क्लिनिकल एप्लीकेशन में इसमें यूरिक एसिड जो मेजर करते हैं एसेस करने के लिए, डायग्नोसिस टू द मॉनिटर ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, डायग्नोसिस ऑफ रीनल कैलकुलाई पथरी को देखने के लिए,
डिटेक्ट किडनी फंक्शन के लिए और इनर्टी डिसऑर्डर ऑफ यूरिन मेटाबॉलिज्म को देखने के लिए हम इसको टेस्ट को मेनली करते हैं। फैक्टर कुछ अफेक्टिंग करते हैं यूरिक एसिड लेवल में, जैसे सेक्स है, हाइयर इन मेल में हाइयर होता है और ड्यू टू इंक्रीज बॉडी मास, ज़्यादा वजन होने के कारण या प्रोटीन ज़्यादा लेने के कारण बॉडी मास जो होता है वो इंक्रीज करता है, ओबेसिटी होती है, जैसे डाइट इंक्रीज जैसे मीट इनटेक, डिक्रीज फ्लूइड इनटेक और इंक्रीज रिटेंशन ऑफ यूरिक एसिड बाय द किडनी, वापस फिर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो फैक्टर इसमें इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्सरसाइज है, प्रेगनेंसी है, ये भी फैक्टर इसके अंदर में इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। हाइपर यूरीमिया मैंने बता दिया कि ये कंडीशन होती है जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा हमारी बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, उसको हाइपर यूरीमिया के नाम से जाना जाता है। ये इसके नाम है, कंडीशन से गाउट है, सेप्सिस है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स है, एनीमिया जिसमें हिमोलाइटिक और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकीमिया, लिम्फोमास, पॉलीसाइथीमिया, क्रोनिक एंड रीनल डिसऑर्डर्स, ये बहुत सारी डिजीज हैं जिसके कारण जो है हाइपर ल्यूकीमिया हो जाता है और यूरिक एसिड की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ डिक्रीज होने के एक्सक्रीशन के क्या कारण हो सकते हैं, जो हमारी बॉडी में से डिक्रीज मात्रा में जो हमारा यूरिक एसिड बाहर निकलेगा, हाइपरटेंशन, क्रोनिक रीनल फेलियर, कीटो एसिडोसिस और लैक्टिक एसिडोसिस, टॉक्सीमिया, प्रेगनेंसी, डायुरेटिक्स जो ये मेडिसिंस होती हैं, तो इनके कारण जो है इसकी मात्रा कम निकलती है। गाउट एक डिजीज़ होती है जो कि हेटरोजेनियस ग्रुप डिसऑर्डर होता है, हमारी करेक्टराइज होती है बाई द हाइपर यूरीमिया, अटैक ऑफ द एक्यूट इंफ्लेमेटरी आर्थराइटिस में, डिपोजिशन ऑफ द मोनोसोडियम, जो मोनोसोडियम यूरेट से क्रिस्टल हैं वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको टॉफी बोलते हैं हम, टॉफी, और नेफ्रोलाइथाइसिस जिसमें नेफ्रोन में जो है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है और वहाँ पर जो है एक जो वाटर एब्जॉर्प्शन भी कम होता है। एबनॉर्मल सीरम यूरिक एसिड, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, हॉर्मोन्स प्रॉब्लम, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं यूरिक एसिड को मेटाबॉलिज्म में, जैसे एक्सेसिव डाइट ऑफ द हॉर्मोन्स जो लेते हैं, ज़्यादा हॉर्मोन लेने के ले होते हैं कभी, उसके कारण एबनॉर्मल सीरम यूरिक एसिड लेवल जो है वो हाइपर यूरीमिया को डिस्क्राइब करते हैं, और हाइपो यूरीमिया का मतलब होता है कम होना, यानी कि यूरिन में कम आना, जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर के कारण हो सकता है। ये जो इंक्रीज हो जाता है यूरिक एसिड मायोपैथी के कारण, हाइपोपैराथायरायडिज्म के कारण, हाइपोथायरायडिज्म के कारण और हाइपोपैराथायरायडिज्म के कारण, ये रीज़न होते हैं जिसमें हॉर्मोन्स जो हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसके कारण जो है वो यूरिक एसिड बॉडी में बढ़िया घट जाता है। ये यूरिक एसिड जो है यहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन बनाता है, जब ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद में फिर ये हमारी जो किडनी है उसमें इसका क्रिस्टल जम जाते हैं और उसके कारण जो है अंदर जो रीनल जिसको कैलकुलाई बोलते हैं और वहाँ पर वो जो है वहाँ पे स्टोन का बनना शुरू हो जाता है। और एब्डोमिनल पेन, इसके अलावा जो वहाँ पे डायग्नोसिस करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, तो उसके बाद पता चलता है कि यहाँ पे जो यूरिक एसिड है वो डिपोजिशन हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक था यूरिक एसिड, उसके हमने टेस्ट के बारे में बताया, प्रिंसिपल के बारे में बताया, नॉर्मल वैल्यू और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में आपको बताया है। थैंक यू बच्चों।